आप मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी के बारे में जानते ही होंगे। मामला गर्मा रहा है, ऐसे में कई लोगों ने गोवा मनाली को भूलकर लक्षद्वीप जाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का ये समूह अपने बेहद खूबसूरत समुद्र तट और नजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि कोई भी टकटकी लगाकर बस देखता ही रह जाए। इस जगह की एक दिलचस्प बात यह है कि ये भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। lakshadweep.gov.in वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार ये ऐसा द्वीप समूह है जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित लक्षद्वीप में बंगाराम, अगाती, कदमत, मिनिकॉय, कल्पेनी, कवरत्ती समेत कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं। बंगाराम की खासियत ये है कि एक छोटे टीयर ड्रॉप के आकार का आइलैंड है। अगाती बेहद खूबसूरत लगून है। कदमत वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। लक्षद्वीप में 12 एटॉल, इसके अलावा 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप मौजूद हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि लक्षद्वीप कितना खूबसूरत है। यहाँ के रेतीले समुद्र तट, इकोसिस्टम और यहाँ रहने वाले अलग अलग जीवों की किस्में पर्यटकों को लुभाती हैं। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि यहाँ जाने के लिए क्या करना होगा, कैसे पहुंचे लक्षद्वीप। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में लक्षद्वीप सागर के बीच समुद्री सीमा का काम करने वाले लक्षद्वीप तक जाने के लिए सबसे पहले केरल के तटीय क्षेत्र कोची पहुंचना होगा। यहाँ से लक्षद्वीप की दूरी करीब 220 से 240 किलोमीटर है। आप कोची से लक्षद्वीप तक जाने के लिए अगाती एयरपोर्ट तक की फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं या वाया रोड भी जा सकते हैं। बता दें कि यहाँ के सभी द्वीपों पर आबादी नहीं रहती है, केवल कुछ ही द्वीप विशेष परमिट के साथ आम लोगों के लिए खुले हैं। किसे है परमिट की जरूरत? जो भी इस जगह का मूल निवासी नहीं है उसे परमिट की जरूरत पड़ेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा परमिट जारी किया जाता है। कैसे करें आवेदन? लक्षद्वीप में स्थित द्वीपों की यात्रा के लिए परमिट लेने के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं। पहला, ऑनलाइन परमिट। ई परमिट लेने के लिए आपको epermit.utl.gov.in पर जाना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा और फॉर्म में विवरण भरना होगा। द्वीप सिलेक्ट कर यात्रा की तारीखें चुनें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और पेमेंट करें। दूसरा, ऑफलाइन परमिट। दूसरा तरीका ऑफलाइन है। इसके लिए लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट lakshadweeptourism.com से आवेदन पत्र डाउनलोड करें या कवरत्ती में जिला कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त करें। फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अटेस्ट करें, इसके बाद कलेक्टर के कार्यालय में जमा कर दें। हालांकि इस प्रोसेस में ज्यादा समय लग सकता है। यहाँ बता दें कि परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपए है और 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हेरिटेज फी 100 रुपए है। वहीं 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हेरिटेज फी 200 रुपए है। परमिट के लिए जरूरी दस्तावेज, एक पासपोर्ट साइज फोटो, वैध आईडी प्रमाण जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि की एक फोटोकॉपी, यात्रा का प्रमाण जैसे फ्लाइट की टिकट, होटल या रिजॉर्ट बुकिंग कंफर्मेशन, परमिट के लिए पेमेंट प्रूफ। परमिट की वैधता आमतौर पर 30 दिनों के लिए होती है, हालांकि विशेष मामलों में इसे बढ़ाया जा सकता है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।